जे हरि ने भजता वारे तेने तरत तजो जे हरि ने भजता वारे तेने तरत तजो अतिरति आणी रे श्री राधा राधा वरने भजो अतिरति आणी रे श्री राधा राधा वरने श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभना यर्हेवा जनजन्मर्क्षम् सान्तर्क्षम् ग्रहतारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनम् निर्मलोडुगणोदयम् महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकरा नद्यप्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रिय द्विजालिकुलसन्नाद तबकावनराजय ववौ वायुस्सुखस्पर्श पुण्यगन्धवः शुचि अग्नयश्च द्विजातीनाम् शान्तास्तत्र समिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहाम् जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्धुभयो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वा पुष्टुवुः सिद्धचारणा विद्याधर्यश्च ननृतुः अप्सरोऽभिसमं तदा मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरम् निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां विष्णुरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशय आविरासीद्यथा प्राच्यम् दिशेन्दुरिव पुष्कलः। प्राचीन काल में ठाकुर जी पुष्ट करे जाएं तब सा पुरुष सूक्त बोल के फिर ये मंत्र बोलने को नियम है। तो पुष्ट करने के लिए न बालकें या बात की सावधानी रखे हैं, न वैष्णवन में या बात की निष्ठा है कि जा गुसाई जी ने विधि बताई वात हरे सु ठाकुर जी को पुष्ट करा मैं। बालक के सामने आइटम की तरह ठाकुर जी पधरा दें, बालकें चंदपस कर लें, वैष्णव समझें पुष्ट हो जाएं। बालक के हाथ लगाने से पुष्ट हो जाए तो होए तो लोटा करवा चमचा सभी चीज़ पुष्ट हो जाए। हाथ लगाने से कोई चीज़ पुष्ट नहीं हुआ भ्रांति है। श्री गोसाई जी ने लिखियो है इतने ये 8 श्लोक पाठ करो और 8 श्लोक पाठ करके क्यों पाठ करना वाको कारण समझो कि जब आपके लिए ठाकुर जी पुष्ट हो रहे हो है तो जैसे वादिन जन्म्यो तो ऐसे आज जन्म रहे हो है।
जब आपके लिए ठाकुर जी जन्मे है तो एक बात ध्यान से समझो कि हमें प्रकृति के जितने तत्व हैं, काल कर्म स्वभाव ग्रह नक्षत्र आकाश तारा बहुतल जल वायु तेज आकाश सबको प्रभु ने निरोध किया है यहाँ, और सबको निरोध करके और प्रभु प्रकटे हैं। वो सब निरुद्ध होंगे अपने तो अपने घर में प्रभु प्रकट होंगे। अपन समझें कि बालक के हाथ लगाने से पुष्ट होते हो, दुनिया में वासु बड़ी भ्रांति कोई नहीं हो सके। पर न वैष्णवन को आग्रह है, क्योंकि अपन करें नहीं भागवत को पाठ को, इतने 8 श्लोक बोलने कंपलसरी हैं श्री गोसाई जी के हिसाब से। और या के अलावा भी जन्माष्टमी के दिन भी एक बात ध्यान से समझो कि जब ठाकुर जी को जन्म होने वालों हुए तब वाके पहले ठाकुर जी को टेरा आ जाए, और टेरा आ जाए वाके बाद जब जन्म को समय होवे तब इतने श्लोक बोलें, वाके बाद घंटा बजते भए टेरा खुले और तब ठाकुर जी को जन्म के पंचामृत हुए। तो वो जन्म के पंचामृत हुए हैं, वो अपन वर्चुअल रियलिटी पूरी खड़ी कर रहे हैं। जा तरह से जन्म के बखत ठाकुर जी प्रकटे, वह बखत जो अपन रूप के ऊपर तो कोई अपना कंट्रोल नहीं है ना, रूप के ऊपर जो प्रभु को लिए हुए सृष्टि को रूप है वाक्य ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, पर प्रभु ने जो नाम प्रकट किया है वो तो अपन बोल के वहां पे अपना कंट्रोल दिया है प्रभु ने। तो नाम पे तो अपन कंट्रोल करके वो बात खड़ी कर सके कि नहीं, यह बात को ध्यान से समझो। पुराने जमाने में नाटक होता ना वहां में पर्दा नहीं लगाते, वो एक्टर आ कैसे कहते तो देखो ये शहर है, यहां से गली जा रही है, देखो ये बाग में फूल खिले पे हैं, फिर फूल तोड़ तो कितनी अच्छी सुगंध है, न फूल हाथ में हो तो न पेड़ हो तो, पर वो एक्शन ऐसे देते हो कि सब देखने वाले को लगता हो कि आप फूल सूंघ रहे हो है और फूल की सुगंध आ रही है। तो ये इन श्लोकन को पाठ अपने को ऐसे ढंग से करना चाहिए कि अथ सर्व गुणों पे, तो जब अपने घर में ठाकुर जी भयो प्रकट पुष्ट होके आयो तो सर्व गुणों पे तो काल, रूप पे अपना कंट्रोल नहीं है पर नाम पे तो अपना कंट्रोल है ना, तो नाम पे अपना कंट्रोल होने के कारण अपन अथ सर्व गुणों पे तक काल, दुनिया के लिए नहीं होगा पर मेरे लिए सर्व गुणों पे काल प्रकट हो गयो, मेरे लिए भूतल तेज वायु आकाश प्रकृति सब जो हैं वो भगवान ने निरोध कर ली हैं, वाह भाव सु मेरे घर में ठाकुर जी पुष्टों के पधार रहे हो है, वो आखिर एक भावना आती पुष्टि मार की आज अपने दुर्भाग्य से लुप्त हो गई, पर अपन खुद भागवत को पाठ करें तो पाछी वो रिवाइव हो सके है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, पर अपने को श्लोक ही नहीं आवे न बालकन को आवे, मुश्किल ही है। बालकन के यहाँ वो पंडित जी आके बोलते हुए बालक नहीं बोलते हुए, क्योंकि याद ही नहीं हुए श्लोक, वो चनपस करके दे दें ठाकुर जी के ले जाओ, चनपस करने से हाथ लगाने से ठाकुर जी पुष्ट होते हैं तो संडास का लोटा नहीं पुष्ट हो जाए, वाकू भी तो हाथ लगा हुआ बालक, कैसी कैसी भ्रांति में अपन जीवे कि बालक ने हाथ लगा दिया तो पुष्ट हो गया। अरे कि बालक के हाथ लगाने से पुष्ट हो जाए दुनिया भर में बलती बलती जीचे पुष्ट हो जाएंगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, सब जगह सेवा करेंगे तो अपन पुष्टि मार्ग को दुर्भाग्य के अक्कल के अलावा हर चीज अपन वापर रहे हैं, अक्कल ही नहीं वापर रहे हैं। श्री गोसाई जी ने ये श्लोक लिखे हैं, ये या के लिए लिखे हैं कि पुष्ट ऐसे करना, पुष्ट में अपन बाहर को काल नहीं सुधार सके पर ये श्लोक बोल के अपने दिल को काल तो सुधार सके ना, दिल को काल सुधार सके, बाहर की पृथ्वी नहीं सुधार सके, बाहर को आकाश नहीं सुधार सके, बाहर की नदी बाहर को जल नहीं सुधार सके, हवा नहीं सुधार सके, पर दिल में इन श्लोकन को बोल के उन सबको सुधार सके भावात्मक रूप से, वो आपको अपना प्रकार है। तो ठाकुर जी को पुष्ट करने को पधराने को वहां में ये श्लोक बोलने को, हर प्रत्येक जन्माष्टमी को अपन ये श्लोक बोल के और ठाकुर जी को जन्म करावे हैं, उतने महत्वपूर्ण श्लोक को आज अपन पारायण कर रहे हो। आप ऐसे मत समझियो कि अभी ब्रज लीला नहीं भाई, तो अभी अपना ब्रजाधिप को जो है वो लीला शुरू नहीं भाई, तो कुछ ये इंट्रोडक्शन की लीला, इंट्रोडक्शन की लीला नहीं है, ये तो घर में ठाकुर जी के प्रकट होने की लीला है, ये तो जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के प्रकट होने की लीला है। अथ सर्व गुणों पे त काल परम शोभना यरहे वा जन जन्म क्षम शांतक्षम ग्रह तारकम, वो भावना आखी अपनी हती पको फिर से अपने को रिवाइव करनी चाहिए। आज अपन दोनों के अज्ञान के कारण, बालकन के और वैष्णव के अज्ञान के कारण लुप्त हो गई, पर बालक और वैष्णव दोनों को यह रहस्य को समझना चाहिए। और जो गोसाई जी श्री महाप्रभु जी ने जो प्राकट्य की पुष्ट करने की भावना बताई उनमें इन श्लोकन के पाठ सु
कम से कम बालक न करते है तो न करे, वो बालक को है डेके, पर प्रत्येक वैष्णव जाके घर में ठाकुर जी विराज रहे है। वह कुछ जन्माष्टमी के दिन जन्म के पहले एक बखत या श्लोक को पाठ करके, और ऐसा ठाकुर जी को जन्म करना चाहिए कि अब जाते सर्व गुणों पे तक काल परम शुभ। गांव में नहीं होगा वो काल, अपने यहाँ को तो काल है ना। देखो गांव की घड़ी अपन नहीं मिला सके, तो 15 मिनट फास्ट रखनी है कि 15 मिनट स्लो करनी है कि घंटा भर फास्ट करनी है कि घंटा भर स्लो करनी है, वह घड़ी को अपनी घड़ी को तो अपन मिला ही सके कि नहीं। तो अपनी घड़ी तो मिला लो कम से कम, गांव की घड़ी जब चलती रहेगी चलती रहेगी, वाकू जब टकोरा बजाने बजाए अपनी घड़ी अपने हाथ में है, वाकू मिलाते अपने को आना चाहिए। वो अपन कैसे मिला सकें, जब या श्लोकन को पाठ करके ठाकुर जी को जन्म करें, या श्लोकन को पाठ करके ठाकुर जी को पुष्ट करें, तो अपनी घड़ी अपन ने मिलाई। अथ सर्व गुणों पे तक काल परम शोभना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो आज अपने गोपीनाथ जी की कृपा से अपने पारायण में आए हैं। ये श्लोक ये अपना सौभाग्य है और श्री गोपीनाथ जी की कृपा है। आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिन्दुरिव पुष्कला, जैसे पूरब में चंद्र उगे हुए ऐसे अपना ठाकुर अपने घर में उगे। अपनो घर जो है वादिन पूरब दिशा बन गया, जा दिन अपना ठाकुर अपने घर में पधारे पुष्ट हो गया। और ठाकुर अपना उगियो नहीं है, चंद्र उगियो है अपनो, भक्ति को चंद्रमा शीतल आह्लादक, वो भाव अपने में भीतर होना चाहिए। वो भाव नहीं है करके बहुत लफड़ा है अपने। तो इन श्लोकें बाल के नहीं बोलते हैं तो नहीं बोले हैं। अब मैं भाड़ में जाओ ऐसे तो नहीं कह सकू क्योंकि सब मेरे ही भाई बंधु हैं, पर रहस्य समझो कि नहीं बोले नहीं बोले। आप क्यों नहीं बोलो, बालक नहीं बोले तो नहीं बोले, आप तो बोलो अपने ठाकुर जी के लिए। आप जब अपने ठाकुर जी को कृष्ण कह के पधरा रहे हो तो आपको ये श्लोक बोलने में तकलीफ क्या है। पारायण या लिए करना जरूरी है कि अपने ठाकुर जी के लिए अपन ये श्लोक बोले। ये श्लोक बोले तो ठाकुर जी को भी लगे कि हाँ भाई वो बात फांसी आई कि ये मुखु घड़ना चाह रहे हो। जो कल मैंने आपको समझाया कि ये मुखु घड़ना चाह रहे हो, वाह फैशन में जा फैशन में मैं गोकुल में मथुरा में प्रकट भयो, तो वाह फैशन में मुखु ये घड़ना चाह रहे हो, तो अब ये घड़ना चाह रहे हो तो चलो अब मैं भी आपको घड़ूंगा भक्त तरीके। तो वो अपने को यशोदा के रूप में घड़ेगो, तो वो अपने को सखा के रूप में घड़ेगो, तो अपने को नंद के रूप में घड़ेगो, तो अपने को गोपी के रूप में घड़ेगो, तो अपने को दाऊ जी के रूप में घड़ेगो। कौन से रूप में घड़ेगो वो वाको विषय है, अपना विषय नहीं है। पर अपन वाको इतना तो कम से कम घड़े कि तू जन्म सके, वाके अनुरूप सारो माहौल अपन खड़ो कर दें। अब यो नहीं खड़ो कर सके तो शब्द में तो खड़ो करें। बात समझ में आई। वाके लिए इन श्लोकन को पाठ प्रत्येक वैष्णव को जरूरी है, कम से कम जन्माष्टमी के दिन तो करना ही चाहिए। और अपने पाठोत्सव के दिन जी, पाठोत्सव तो वाको वो मना रहे हैं ना, जन्म को उत्सव जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म नहीं मना रहे हैं। जन्मदिन मनाना एक अलग बात है, उत्सव मनाना अलग बात है। जन्म को उत्सव तो जन्माष्टमी को ही हो ना। पर जा दिन पुष्ट करें वा दिन ये बोलने मंत्र जरूरी है। श्री गोसाई जी ने स्पष्ट वाको विधान किया कि इन श्लोकन को बोल के इन श्लोकन के अर्थ की भावना करके ठाकुर जी को पुष्ट करना चाहिए। ऐसे हाथ लगा के पुष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अपना हाथ वह ठाकुर तक पहुंच ही नहीं सके यदि ये श्लोक नहीं हो। तो इन श्लोकन के द्वारा अपनो हाथ वा ठाकुर तक पहुंच रहे है। तो ये श्लोक कितने महत्वपूर्ण है भागवत के, या रहस्य को समझो। चाहो तो एक बार फिर से पाठ कर लो। अथ सर्व गुणों पेतः, जन्माष्टमी के दिन ये 8 श्लोक 3 बखत बोले जाएं, ऐसा नियम है। मैंने 8 तेरी 24 अपने 24 अवतार हैं, 24 बखत बोले जाए हो ये 8 श्लोक, तब ठाकुर जी को जन्म हुए। अथ सर्व गुणों पेतः काल परम शोभना, यर्हे वा जन जन्मर्क्षम सांतर्क्षम ग्रह तारकम दिशप्रसेदुर्गगनम निर्मलोडुगणोदयम महीमंगलभूयिष्ठ
ग्राम व्रजा करा नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जलरुह श्रिय द्विजालिकुल सन्नाद स्तबकावनराजय। अब देखो निरोध कैसे कियो सबको, वाको एक प्रमाण सबसे बड़ो अपन को दिखे ना तो यहाँ देखना मिले कि रात के 12 बजे कोई पक्षी बोले नहीं, पर ठाकुर जी ने रात के 12 बजे पक्षी को बोलते शुरू कर दिए। बोलो तुम द्विजाली कुल सन्नादा, पक्षी पाछे चहचहाने लग गए अचानक रात को। ये निरोध नहीं किया तो कैसे चहचहाए, रात को कोई पक्षी चहचहाए, रात को तो उल्लू चहचहावा है, कोई पक्षी चहचहावा है, पर द्विजाली कुल सन्नादा सब पक्षी चहचहाने लग गए तो द्विजाली कुल सन्नादा स्तबका वन राजय। ये बात समझो, निरोध नहीं किए होए, खाली भक्त कोई निरोध किए होए तो ये कथा कहां से आई, रात को पक्षी कैसे चहचहावे, रात को पक्षी चहचहाने लग गए अचानक। द्विजाली कुल सन्नाद स्तबका वन राजय वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधव शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिंधत। देखो क्या क्या बात कह रहे हैं, यज्ञ की जितनी कुंड की अग्नि होवे है वो सूर्यास्त के बाद धधकती नहीं होवे, वामे से ज्वाला नहीं निकलती होवे, तो अचानक ठाकुर जी जन्मने वाले थे तो यज्ञ कुंड की जो अग्नि होती वहां में ज्वालाएं प्रकट हो गई, तो ये अग्नि को निरोध नहीं की हो तो अचानक कैसे प्रकट, भाई वाह वक्त रात को 12 बजे उठ के आहुति देने कौन गए, वो तो ऋषि हैं, तो सब कोई रात को तो यज्ञ करे नहीं, यज्ञ को विधान तो सूर्यास्त के पहले पहले तक है, बिना घी झोंके अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई, तो वो सारे अग्नि वायु जल तत्व सब तत्व को प्रभु ने निरोध करके प्रकटे हैं, उनको निरोध कियो है करके वाह निरोध करे भाई प्रपंच में फिर प्रभु प्रकटे हैं। प्रपंच निरोध के वहां में स्पष्ट आवे कि अपनी सारी शक्ति के साथ पहले प्रभु प्रकटे हैं, अब वाको घी सु ज्वाला को धधकने की जरूरत नहीं है, प्रभु प्रकट रहे हैं वाकी खुशी में ज्वाला धलक रही है, ऐसो सूर्योदय सु चिड़िया को चहचहाने की जरूरत नहीं है, प्रभु प्रकट रहे करके चिड़िया चहचहा रही है, वह वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध व सुचि, ये साखो कैसे निरोध कियो है प्रभु ने, पंच महाभूत को काल को कर्म को वाको आखो वर्णन है, अपन समझे खाली गोपी जनन को ही निरोध कियो, अरे भाई गोपी जनन को तो कियो ही है, पर ये कियो ये तो देखो, ये क्यों नहीं देखो, वो मक्खी की आंख गंदगी पे ही जावे ऐसे अपन को और कुछ दिखे ही नहीं पाचो, या रहस्य को समझना चाहिए अपने को कि प्रभु ने हर चीज को निरोध किया है। मनांस्यासन प्रसन्नानी साधु नाम सुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन् ने दुर्दुंधु भयो दिवि जगु किन्नर गंधर्वा तुष्टु सिद्ध चारणा विद्याधर्यश्च ननृतुः अप्सरो विषमं तदा मुमुचुर् मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता मंदं मंदं जलधरा जगज्जुरनु सागरम। ज्योग्राफी को समझो, मथुरा कहाँ है और सागर कहाँ है, सागर भी गरजने लग गए हो और बदल भी गरजने लग गए
तो मथुरा कहाँ है, सागर कहाँ है, ज्योग्राफी समझोगे तो समझ में आ जाएगी। पर प्रभु ने कितनो बड़े स्केल पे निरोध किया है कि मंदम मंदम जलधरा जगत जुरनु सागरम निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। सर्वगुहाशय कहके वाको परमात्मत्व बता दियो, विष्णु कहके वाको ब्रह्मत्व बता दियो, ये रहस्य कुछ समझो। अब भगवान तो प्रकटेगो ना विष्णु मतलब जो सब जगह है और सर्वगुहाशय मने सबके भीतर है। आयो ख्याल में, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। सर्वगुहाशय का मतलब समझो कि हर वस्तु जो दुनिया के नाम रूप कर्म सु घड़ी भई वस्तु है वो एक ऐसी गुफा है कि जा में विष्णु बैठे भयो है। गुहा गो में आशय शय करने वालो, निरोधो स्यानुशयनम, वहां आशय भी शयन के अर्थ में, अनुशयन के अर्थ में आशय शब्द वापरियो है। सबके गुहा में आशय वालो, शयन करने वालो विष्णु, वो परमात्मता वाकी बता रहे हैं। वो सिर्फ बाहरी नहीं है विष्णु के रूप में, सर्व गुहाशय के रूप में वो सबके भीतर भी है। आविरासीद यथा प्राच्यम दिशेन्दुरिव पुष्कलः, और कल लें एक बखत, अथ सर्व गुणोपेतः सांतर्क्षं ग्रहतारकं दिश प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जलरुह श्रिय विजालिकुल सन्नाद तबका वनराजय ववौवायुस्सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत स्यासन प्रसन्नानि साधूनाम सुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन् ने दुर्दुन्धु भयो दिवि जगुक्किन्नर गंधर्वा तुष्टु सिद्धचारणा विद्याधर्यश्च ननृतुः अप्सरोभि समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता मंदम मंदम जलधरा जगज्जुरनु सागरम निशीथे तम उद्भूते
जायमाने जनार्दने जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीद् यथा प्राच्याम आविरासीद् यथा प्राच्याम दिशेन्दुरिव पुष्कलः दिशेन्दुरिव पुष्कलः। अब देखो कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदार्युदायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् वैडूर्य किरीट कुंडल दिशा परिश्वक्त सहस्र कुंतलम् उद्दाम कांच्यंगद कंकणादिभिर् विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत् सविस्मयोत्फुल्ल विलोललोचनो न विलोचनो हरिं सुतं विलोक्या नकदुन्दुभिस्तदा। देखो हरिं सुतं, जो सुत भी देखे उनने अपना वाम है और वह सुत को हरि भी देखे, हरि को ही देखे, ऐसे नहीं जन्मियो वकु हरि तरीके भी देखे और सुत तरीके भी देखे, जो भगवान आगे जाके कंफर्म करेंगे कि युवा माम ब्रह्म भावे न पुत्र भावे न चासक। कैसे भागवत बोले है वकु अपने को सुनते आना चाहिए। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम् सुतं विलोक्या नकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। अब देखो वसुदेव जी ने भी वही काम कियो, वहां कोई गाय आती नहीं हो जेल खाना में, तो उनने बोलियो कि मैं या कृष्ण के प्राकट्य के गोदान करूंगा। बोलने में क्या जाए भाई, कुछ लोग बोलने में क्या जाए, गाय तो कोई आती नहीं जेल में, नहीं आती तो नहीं आती, बोल तो सके कि नहीं आदमी। ऐसे नहीं बालक ने पुष्ट किए इन श्लोकन को बोल के, तो कोई बात नहीं अपन तो बोल सके कि नहीं ये श्लोक, पर कब बोल सके, जब अपन पारायण करते होंगे, तो पारायण ही नहीं करते होंगे तो बोलेंगे कैसे, बोलो। जैसे वसुदेव जी बोले कि ये हरि और सुत हो गए तो चलो गोदान करूंगा अब मैं या की खुशी में। ऐसे अपन घर में ठाकुर प्रकट भयो है, हरि भी भयो है, सुत भी भयो है, तो श्लोक तो बोलो। बस मुद्दा की बात यह है, सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम् सुतं विलोक्या नकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथे नमस्तोदवधार्य पूरुषम् परम नतांग कृतधी कृतांजलि स्वरो
सर्वोचिषा भारत सूतिकाग्रहम् विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववेत् वसुदेववाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्द स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। सबसे पहले ब्रह्म कह रहे हैं, आश्रय कह रहे हैं। वसुदेव जी अपनी स्तुति में सबसे पहले वाक ब्रह्म कह रहे हैं कि तू ब्रह्म प्रकट भयो है। कृष्ण प्रकट भयो पहले नहीं कह रहे, दीख गयो कृष्ण प्रकट भयो, पर पहले वाक कह क्या रहे हैं कि विदितो से भवान साक्षात पुरुष प्रकृते पर केवल अनुभवानंद स्वरूप सर्व बुद्धि दृक्। ये तू साक्षात ब्रह्म प्रकट भयो है। तो देखो आश्रय लीला कैसे जुड़ रही है निरोध लीला में। आश्रय लीला के माने बैकड्रॉप में निरोध जो है वो हीरो बन के करने के लिए कृष्ण जो है वो हीरो बन के आ रहे हो जन्म हो। तो आश्रय की लीला को बैकड्रॉप है, जैसे नाटक के पीछे पर्दा हो ना, ऐसे आश्रय लीला को पर्दा तान के अरवा के बाद बाहर कृष्ण जन्म को लीला प्रकट दिखा रहे हो तुम। वो बात बस दे जी कह रहे हैं। सैव स प्रकृत्येदम् सृष्ट्वाग्रे तदुन् त्रिगुणात्मकम् तदुना त्वं ह्य प्रविष्ट प्रविष्टैव भाव्यसे परमात्मा आ गयो। आयो ख्याल में परमात्मा आ गयो, ब्रह्म के बाद परमात्मा। आपको लगता होगा कि मैं निरर्थक आप लोगों को लोई पीऊं मच्छर बन के, पर ये भाई भागवत में ऐसे ही कहो है कि पहले ब्रह्म प्रकटे हो है फिर परमात्मा प्रकटे हो है। ये देखो एक एक बात आ रही है श्लोक में। यथे मे विकृता भावा तथा ते विकृते सह नाना वीर्या पृथक भूता विराजम जनयन्तव एवं भवान् बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर् ग्राह्यैर् गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह वसुदेव जी क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से समझो। वसुदेव जी कह रहे हैं कि जैसे मट्टी पहले से है वो फिर घड़ा के रूप में प्रकट हो जाए, तो मट्टी थोड़ी प्रकट भाई, मट्टी तो पहले से ही होती, ऐसे तुम तो पहले से ही हो, जन्मे हो, एक पाशो रूप तुमने नयो प्रकट कर दियो है, वातरे से तुम भी जन्मे हो। सोना तो पहले से ही हतो, अब वो एयरिंग बन गयो तो सोना थोड़ी जन्मे हो, रूप वाको प्रकट भयो है। ऐसे तुम तो पहले से ही हो, रूप तुमने अब ये प्रकट कर दिया है। यह वसुदेव जी कह रहे हैं एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर् ग्राह्यैर् गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरंतरं नते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुना। देखो सब वस्तु जितनी भी हैं दुनिया में वाकई आत्मा सर्वात्मा तुम हो, भीतर विराजे भय। और खाली भीतर विराजे भय, आत्मा सर्वात्मा तुम नहीं हो, सर्व वस्तु भी तुम हो, माने देह भी तुम हो और देह के भीतर रही भाई आत्मा भी तुम हो। सर्वस्य सर्वात्मन एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर् ग्राह्यैः
गुण सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरंतरं नते सर्वस्य सर्वात्मना आत्मवस्तुनः यात्मनो दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितम् विभो वदन् विभो विनानु विनानुवादं न च तन्मनीषितम् सम्यक् सम्यक् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् त्वत्तोऽस्य जन्म स्थितिसंयमान् विभो ब्रह्म को लक्षण लागू कर रहे हो त्वत्तोऽस्य जन्म स्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहा दगुणाद विक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते तदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणै। देखो ईश्वर कह के वाकू परमात्मा बता दियो कि सबको भीतर से कंट्रोल करने वाले तुम हो, तुमको बाहर से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़े। अपन को घोड़ा गधा को गाय को बाहर से कंट्रोल करना पड़े, भगवान को कोई को बाहर से नहीं कंट्रोल करना पड़े, भीतर से कंट्रोल करें। जैसे अपन मोटर कार में बैठे तो आपको मोटर कार को बाहर से कंट्रोल नहीं करनी पड़े, मोटर के भीतर बैठ के अपने को मोटर को कंट्रोल करनी पड़े। ऐसे भगवान प्रत्येक वस्तु को वहां के भीतर विराज के कंट्रोल कर रहे हैं, वह अर्थ में वो परमात्मा है। और वही तरह से प्रभु खुद उत्पन्न हो रहे हैं, स्थित हो रहे हैं और वहां को लय कर रहे हैं, वहां के लिए ब्रह्म भी हैं। तो ईश्वरे और ब्रह्मणी देखते जाओगे ना तो पता चलेगा। तो भागवत बोल कैसे रही है कृष्ण को, तई तत्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्त्यनीहा दगुणाद विक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणै सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया विभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपब्रह्मितम् कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये तमस्य लोकस्य विभोरिरिक्षुर् ग्रहैव तीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर। एक दिन तो अपने ठाकुर जी को ये बात कह दो, एक दिन ठाकुर जी को ये बात कह दो कि तमस्य लोकस्य विभोरिरक्षुर ग्रहे वतीर्णोऽसि, मेरे घर में तू है, तू ब्रह्मांड को नायक, पर घर में तो मेरे प्रकट। एक दिन तो ये डायलॉग करो ठाकुर जी के साथ माखन है धरो श्रृंगार है धराओ मोम चोटा वो सब ठीक है, सच्ची बात है, खोटी बात नहीं है। तो एक दिन बोलो तो सही ठाकुर जी को ये कि तमस्य लोकस्य विभोरिरक्षु ग्रहे वतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर।
हवेली में जाके कह नहीं सकोगे हो, नहीं तो महाराज के और तुम्हारे बीच में केस दावा हो जाएंगे कि तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। ये तो अपने घर में ठाकुर जी को तुम कह सकोगे कि तमस्य लोकस्य रिरक्ष विभोरिरिक्षु गृहे वतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्य संज्ञा सुरकोटि यूथपैर् निर्व्यूहमाना निहनिष्यसे चमु। वो सारी सेना पौभौ की, पूपा की, बापा की, बापी की सेना जो खड़ी हो गई है, जो तुम्हारे घर में बिराते ठाकुर जी से तुमको विमुख करे, वह सेना को प्रमा भगवान जो है तुम्हारे घर में बिराते तो। कहोगे तो करेगा, तुमको कोई नहीं तो काय को करे। तो कहो ठाकुर जी को एक वक्त प्रेम से अपने ठाकुर जी को कहो कि तमस्य लोकस्य विभोरिरिक्षु गृहे वतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्य संज्ञा सुरकोटि यूथपैर् निर्व्यूहमाना निहनिष्यसे चमु। अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वा ग्रजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वर सतेवतारं पुरुषैः समर्पितम् श्रुत्वा धुनैवाभिसरत्युदायुध ये जो कंस है ना, ये कलिकाल को रूप माने गयो है। वो कलिकाल को रूप माने गयो है करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, ऐसे कंस मारने के लिए दौड़ तो आवे, ऐसे कलिकाल मारने के लिए दौड़ तो आवे। पर अपने ठाकुर जी को कहोगे कि भाई हम तेरे को सीक्रेट रखेंगे हमारे घर में, बाहर प्रकट ही नहीं करेंगे तो कलिकाल आएगा कहां से। ये बात वसुदेव जी कह रहे हैं कि हम तो कुछ छुपा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, तेरे को कोई के सामने प्रकट करें तो कलिकाल आएगा ना। तो अयं तो सभ्य, ये असभ्य है, सभ्य नहीं है। जबरदस्ती तुम्हारे कहेगा कि दर्शन कराओ हमको, जबरदस्ती दर्शन करके और फिर कलिकाल फैलाएगा कि ठाकुर जी को तुमने ये श्रृंगार नहीं धरायो, ऐसे हाथ नहीं धोए, वैसे हाथ नहीं धोए, मेंड नहीं पाली, मर्जाद नहीं पाली, भोग नहीं कियो, राग नहीं कियो, श्रृंगार नहीं कियो, ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ बड़ा परिश्रम पा रहे हैं, आओ हवेली में कैसे सुख से विराज है। अयं तो सभ्य, ये असभ्य। अयं तो सभ्य तव जन्मनोग्रहे, कलिकाल आवे तो ठाकुर जी के टेरा ले लो, क्योंकि पता ही नहीं चले कि विराज रहे ठाकुर जी। ऐसे होना चाहिए। सेवा का प्रकार, कृष्ण के जन्म को प्रकार क्या है वो देखो, वसुदेव जी ने कितनी सावधानी बरती है, तब जाके कृष्ण वहां सुरक्षित रहे है। तो असहम तो सभ्य तव जन्म अनुग्रहे श्रुत्वा ग्रजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वर सतेवतारं पुरुषैः समर्पितम् श्रुत्वा धुनैवाभिसरत्युदायुध उदायुध मने हथियार ऊंचे उठा के तान के आ रहे हो। भगवान को भी डराओ कि महाराज चुपचाप घर में बैठो, दूर खेलन जिन जाओ ललाले, बन में बैठे आओ बिलाओ। डरा हुआ ठाकुर जी को कि महाराज सबके सामने जाओ मत, कलिकाल हथियार उठा के दौड़ तो आ रहे हो तुमको मारने के लिए, हम तुमको बचा कर रखेंगे, तुम हमारे साथ बचे पड़ेगा। तो ठाकुर जी घर में बचेगो,
नहीं तो वो सारे हथियार उठाएगो, प्रसाद के, मनोरथ के, भागवत कथा के, ब्रज यात्रा के, सारे हथियार उठा के तुम्हारे को मारने आएगो कि यात्रा सुनी फसे तो या हथियार सुनी मरे तो या हथियार सुमर, या हथियार सुनी मरे तो या हथियार सुमर, कोई न कई तरह से तुम्हारे कृष्ण को मारने के लिए वो कलिकाल आवे है। हो तो वाकु पता नहीं चलनी चाहिए, अयम त्व सभ्यस्तव चन मनोग्रहे श्रुत्वा ग्रजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वर सतेवतारं पुरुषै समर्पितम् श्रुत्वा धुनैवाभिसरत्युदारुद्युध शिशुको उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद् भीता शुचिस्मिता। देखो देवकी कब संभाल पाएगी, भगवान को कब घड़ पाएगी, बाकी शर्त भागवत क्या बता रहे हो है, सबसे पहले तो आपको कंस को भय होना चाहिए। कंसात भीता, खुद शुचि होनी चाहिए, शुचि माने पवित्र होनी चाहिए, और स्मिता होनी चाहिए, स्मित वाली होनी चाहिए। टेंशन में आके सेवा करोगे कि ये नहीं भयो, नेग नहीं पलियो, भोग नहीं पलियो, राग नहीं पलियो, श्रृंगार नहीं पलियो, तो रोते रोते जाओगे तो भाई वो तुम्हारे को कैसे रिस्पॉन्स देगो। एक तो वो बालक प्रकटे हो और तुम खुद वाके नाम पे रो रहे हो कि यहाँ ये लपड़ाएं घुस गए नेग के, भोग के, राग के, तो फिर तो वो प्रकट वाको तुम घड़ ही नहीं पाओगे जब खुद रो रहे हो। तो देवकी कंस को सुडरती होए, शुचि होए, प्रसन्न वदन होके सेवा करती होए कि जो मोसु सहज बने वो मैं सेवा कर रहे हूं, वो शुचि स्मित होके यदि देवकी करती होगी सेवा तो फिर वो देवकी कृष्ण को रूप कैसे घड़ेगी। अब देखो देवकी कृष्ण को रूप घड़ेगी हाँ थोड़ी देर में। देवक्युवाच रूपं यत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं आश्रय। ध्यान से देखियो आश्रय को वर्णन कर रही है। रूपं यत् प्राहुरव्यक्तमात्रं प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहम् सत्त्वं साक्षाद् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने। पहले श्लोक में सर्ग कह दियो, अब जो है वो आश्रय बता रहे हैं वही आश्रय तत्व को। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते स्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेष संज्ञा। वो आश्रय वालों मुक्ति के बाद 12वें स्कंद को आश्रय, और पहले श्लोक में सर्ग के पहले को आश्रय, ऐसे दोनों बाजू के आश्रय को देवकी जी ने रिफर किया है। अब जाने जण्यो है वो कैसे कह रही है वो तो देखो ना, अपन अपनी समझ से देखें, पर जाने जण्यो है वहां ने कैसे वाकु समझो वो देखोगे तो समझ में आ जाएगो। रूपम यत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म
ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वं साक्षाद् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वाधिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञा योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टा चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयान् तन्त्वेशानं क्षेमधामं प्रपद्ये मर्त्यो मृत्यु व्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् नाप्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थश्चेते मृत्युरस्मादपेति याली अपने आप पहले शरणागति की दीक्षा दें कि देवकी जी पहले शरण में गई हैं। क्या कह रही हैं? योयम निमे मृत्यु और मृत्यु व्याल भीत पलायन, मृत्यु को अजगर जब अपने पीछे दड़ो पीछा करते हुए, तो वो मृत्यु को जो अजगर है अपना पीछा करे, वह वक्त आदमी को नींद नहीं आवे रात को, कि नींद उड़ जाए क्या मरने वाले हैं। पर सर्वान लोकान निर्भयम नाप्य गच्छत, कोई लोक में जाए मृत्यु से छुटकारा नहीं है। पर तत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छयाद्य, तेरो चरण को आश्रय यदि तो को मिले तो को मृत्यु से डर लग नहीं बंद हो जाए। मरेंगे तो क्या है, जिएंगे तो क्या है, भगवान के चरण को हमने पा लिया, अब्बा के बाद मरने को क्या डर और जीने को क्या। वो तो तत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थश्चेते मृत्युरस्मादपेति। जैसे अपन सोवे जावे तब रोवे नहीं ना, ऐसे मरवे जावे तब वो रोवे नहीं, चैन से सो जाए, मजा आए। क्योंकि मर भी वहां में रहे, जी भी वहां में रहे, तो हमें रोने की बात क्या है। पर वो भगवान को चरण को शरणागति होवे तो ये बात आवे, नहीं तो नहीं आवे। नहीं तो वो माने काल और कृष्ण, काल डरावनो है, कृष्ण जो है वो निडर करने वालों अपने को है। सत्वं घोराद् उग्रसेनात्मजान्ना उग्रसेनात्मजान्न स्त्राहि स्त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधीष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषिष्ठा। मैंने ये मांस खाने के जो शौकीन है ना, उनके सामने तेरो रूप प्रकट नहीं होना चाहिए, बस मां के तरीके मेरी अब मांग तेरे से सिर्फ इतनी है, तेरो ये रूप प्रकट नहीं होना चाहिए कि तू देव है। हम अभी भागवत कथा में नहीं कहनी चाहिए, पर आपको बहुत मजेदार बातें ये कह रही हूं कि हमने एक को ठाकुर जी पधरा दिए, वो
स्टीमर को कैप्टन, तो वो स्टीमर को कैप्टन होके वो स्टीमर लेके रशिया गयो। रशिया गयो तो वहां सब वो स्टीमर वाले इंक्वायरी करें जब पोर्ट में जावे तो वो सब इंक्वायरी करने आए कि भाई कोई गड़बड़ चीज तो नहीं है, तो वहां ठाकुर जी विराज रहे थे। तो वहां कि ये क्या है, तुम बड़े हो कोई खिलौना सु खेलो क्या? उनकी नहीं, बोले क्या है? तो उनकी ये कुछ है हमारो। तो उनकी सीम्स टू बी ए ब्लैक मैजिक। यस मैजिक मेड बाय ब्लैक, इट्स मैजिक मेड बाय ब्लैक। कृष्ण को जादू है ना ये। तो ये कृष्ण को जादू है ये, देखो। तो वाने के अच्छा अच्छा ब्लैक मैजिक है, रखो रखो करो। उतर गए वाने, कुछ छुए भी नहीं, देखे भी नहीं इंस्पेक्टर ने। वाने कि ये है क्या, ये क्या है अंदर कैबिन में तुम्हारे कैप्टन की? उनके ब्लैक मैजिक है। हाँ ब्लैक मैजिक बराबर। वो आपको भी गले उतर गई बात के, कुछ ब्लैक मैजिक लग रहा। स्वरूप कालो कुछ जादू है के स्टीमर में विराज भाई, जरूर ब्लैक मैजिक। हाँ ब्लैक मैजिक, वो बिना छुए छाए चले गए, ब्लैक मैजिक है इनको कुछ। तो अपनो भी ब्लैक मैजिक है, ये बात मत भूलियो। तो अपनो ब्लैक मैजिक गाम को मारने के लिए नहीं है, जो कृष्ण को मारने आवे उनको मारने को ब्लैक मैजिक है, ये रहस्य समझना चाहिए। सत्वं घोराद् उग्रसेनात्मजान्न स्त्राहि स्त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासी रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्णम् प्रत्यक्षं मां सदृशां कृषिष्ठा जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान् मधुसूदन। तू मेरे घर में जन्मे हो या वो पापी, पापी को पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप सेवा करो। फिल्म को एक गाना बहुत अच्छा हो तो छुप जाऊंगी रात ही में मेरे पीर को संग लेके, वो बात है। तो मैं जन्मते मय्य सौ पापो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्विजे भवद्धेतो कंसादहमधीरधी। कंस के कारण मेरे धैर्य खो रहे हो, वैसे तुमको जानू कि तुम ब्रह्म हो परमात्मा हो भगवान हो, पर कंस के कारण मेरी धीरज रह नहीं रही है। तो अब क्या करना? तो देवकी जी अब रूप गढ़ रहे हैं वाको के उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम शंख पद्म शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। ये तो कु देव तरीके पहचान सके, ऐसो रूप तू ढक ले, तू को ऐसो रूप धारण कर ले कि तू देव लगे ही नहीं, हमारे घर को खिलौना लगे, ब्लैक मैजिक लगे, तो कोई कंस नहीं आएगा। देव तरीके तुम करते उनको फिर कंपटीशन होगा कि हवेली हम चला रहे हैं कि तुम चला रहे हो, तुम कैसे पधरा सको ठाकुर जी को, तो वो बात है। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म। ये शंख चक्र गदा पद्म जो है ना, भगवान की शक्ति है, ध्यान से समझो। दुर्विभाव्य शक्ति भी माने शंख धर्यो रिपु उदर विदारण गदा धरी दुष्टन संहारण चारों भुजा चार आयुध धर नारायण भूमि भार उतारण। सारी शक्ति के साथ प्रभु प्रकट हुए हैं। निरोधोस्य अनुशयनम आत्मनः सह शक्ति भी दुर्विभाव्य भी, तो प्रकट हुए सारी शक्ति सु, पर वो सारी शक्ति को अपने भीतर रखो महाराज, मेरे घर में मेरे बच्चा तरीके रहो। ये देवकी जी कह रहे हैं कि अपने भीतर रखो, वहां में मुको आपत्ति नहीं है, पर बाहर इन शक्तियों को प्रकट मत करो। बाहर शक्तियों को प्रकट करोगे तो फिर कंस पहचान जाएगा कि तुम भगवान हो, वहां फिर वाकू गुस्सा आवे वाकू।
वालिये ये सारी अपनी शक्तियां भीतर छुपा के रखो, बाहर तुम मेरे घर में चाहो तो खिलौना बन के रहो, चाहो तो ब्लैक मैजिक बन के रहो, जैसे पता नहीं चले कंस को के तुम मेरे यहाँ विराजमान हो। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोयं मम गर्भगो भूत् अहो नृलोकस्य विडम्बनं हितत् श्री भगवान उवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भू पृष्णिस्वायं भुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। अब देखो सर्गादि लीला की बात आ रही है कि नहीं आ रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो, मैं कल से कह रहे हूँ कि सब कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो, अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो, पूर्व सर्ग को अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो, या सर्ग को नहीं, पूर्व सर्ग को, ये सर्ग तो या सर्ग है, या सर्ग के पहले जो सर्ग तो वह सर्ग को अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो। तमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नि स्वायं भुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मष युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् ते पाथे परमं तप। ये सहस्र परिवत्सर हो गया या मैं पूर्व सर्ग के कारण, ये बात ध्यान में रखियो। ते पाथे परमं तप वर्षावात तप हिम धर्म काल गुणाननु सहमानौ श्वासरोध विनिर्धूत मनोमलौ शीर्ण पर्णा निलाहारा निराहारौ शीर्ण पर्णा निलाहारौ उपशान्ते न चेतसा मत्तः कामान् अभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतु एवं वा तप्यतोस्तीव्रम् तपः परमदुष्करम् दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनो तदां वा परितुष्टोऽहम् अमुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यम् भक्त्या च हृदि भाविता प्रादुरासं वरदराट् युवयो कामदित्सया व्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वां वृतस्सुत। अब देखो भगवान क्या कह रहे हैं, देखने लायक बात है। प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदा शक्ति तुमको पहले हो गई है पूर्व सर्ग में,
या सर्ग में नहीं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो अकाउंट। अजुष्ट ग्राम्य विषय, ग्राम्य विषय जो है दुनिया के जो सुख हैं वो तुमने भोगे ही नहीं थे कभी, क्योंकि पहले से तुम मेरी तपस्या में बैठे भए थे, तो दुनिया के सुख क्या है वो तुम भोग ही नहीं पाए थे मेरी तपस्या में बैठे रहने के कारण। अजुष्ट ग्राम्य विषय अनपत्यौच दंपति, और तुमको कोई संतति नहीं होती, न तुमने गांव को सुख भोगे तो न तुमको कोई संतति होती। वह कंफ्यूजन में जब मैं प्रकट भयो तो तुमको भयो कि अब क्या करना, तो तुमने मुझसे कही कि तुम हमारे यहां बेटा तरीके जन्म जाओ। तुमने कही कि बेटा तरीके जन्म जाओ क्योंकि तुमने गांव के सुख भोगे नहीं थे, नहीं तो बेटा पैदा हो जाते कई सारे, एक के बजाय 100 हो जाते। तुमने गांव के सुख भोगे नहीं मेरी खोज में, और मैं प्रकट हो तब तुमने कही कि हमको बेटा के तरीके तुम पैदा हो जाओ करके मैं पैदा भयो। ठाकुर जी कह रहे हैं अजुष्ट ग्राम्य विषय अनपत्यौच दंपति नवव्राथे पवर्गम्मे, मेरी माया कैसी चली तुम्हारे पे कि तुम वास्थिति में जब तुमको बेटा नहीं है तो जब तुमने ग्राम्य सुख भोगे नहीं होते और मैं जब प्रकट हो गया तो मुक्ति मांगनी चाहती थी, तो तुमने मुक्ति भी नहीं मांगी, मेरी माया से मोहित होके मेरे रूप से मोहित होके तो तुमने मांगे हो क्या। गते मई युवाम लब्ध्वा वरम मत सदृशम सुतम, तुमने मांगे कि तेरे जैसो हमको बेटा हो जाए, मेरे जैसो बेटा तुमको कहां से होएगो, तो मैं ही हो गया हूं। ये भगवान कह रहे हैं गते मई वाम लब्ध्वा वरम मत सदृशम सुतम ग्राम्यान भोगान अभुंजाथाम युवाम प्राप्त मनोरथौ। वाक्य बात तुम ग्राम्य सुख में इन्वॉल्व है मेरे सुवर लेने के बाद, तब मैं क्या करूं। अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलो दार्य गुणैः समम, मेरे जैसा शील, मेरे जैसी उदारता, मेरे जैसे गुण ग्राम्य सुख से पैदा होने वाले बच्चा मैं तो हो नहीं सकतो, तो घर के मैं प्रकट भयो भाई तुम चिंता मत करो। भगवान उनको आश्वासन दे रहे हैं डरो मत। अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलो दार्य गुणैः समम अहम सुतो वाम भवम प्रश्नि गर्भ इति श्रुतः तयोर्वा पुनरेवाहम आदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामतत्वाच्च वामन तृतीयेस्मिन् भवे हम वै तेनैव वपुषाथ माम जातो भूयस्तयोरेवम् सत्यं मे व्याहृतं सति एतद्वां दर्शितं रूपम् प्राग्जन्म स्मरणाय मे। ये बात भगवान ने अर्जुन को कही है, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। वही बात वसुदेव देव को भी कह रहे हैं कि भाई पूर्व जन्म की बात तुमको नहीं याद है, तो मैं ये अकाउंट को कैसे वाइप आउट कर दूं, मुझको तो सारा अकाउंट बाय हार्ट है ना, तुम चोपड़ा में लिख रहे हो, मेरे तो मन में लिखे भयो है सारा चोपड़ा, तो क्या कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो और क्या वाइप आउट भयो है अकाउंट, वो मुझको बराबर पता है करके तुमको याद दिलाने के लिए जा रूप तुमने मुझसे मांगे तो वह रूप में मैं तुम्हारे सामने पुत्र पैदा भयो। तुमको प्राग जन्म को स्मरण हुआ है, ख्याल में आयो। ये भगवान वसुदेव देव को कह रहे हैं
एतद्वाम दर्शितम रूपम प्राग्जन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानम् मर्त्यलिंगे न जायते। मर्त्य मनुष्य की आंख सू, मेरे जन्म कितने भय वो तुमको कभी दिख नहीं सके हैं। मेरी आंख सू देखोगे तो तुमको दिखेंगे। अर्जुन को भी वही कही, दिव्यं ददामि ते दृष्टिम पश्चिमे योगे क्षरम। तो तुम्हारी आंख सू अपने जन्म कितने भय तुम्हारे वो भी तुमको नहीं दिख रहे, तो मेरे जन्म कितने भय वो तुमको कहां से दिखेंगे। पर अब मैं तुमको बता रहा हूं कि मेरा तीसरा जन्म है तुम्हारे पास पुत्र तरीके, पहला जन्म नहीं है। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम। या को अपने सेवा को नींव को पत्थर है, या पे महाप्रभु जी ने सेवा की भवन को खड़ो कियो है। युवाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चासकृत चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वासीद् हरिस्तूष्णिम् भगवानात्ममायया। अब जैसे छोटो बच्चा बोल नहीं पावे ऐसे भगवान गूंगे हो गए। अपना ठाकुर जी भी बोल नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि इत्युक्तासी धरिस्तुष्णिम भगवान आत्मा माया है, अपनी आत्मा माया से वो बोल नहीं पा रहे हो। वो बोलना नहीं जाने ऐसे नहीं, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो के मुद्दा क्या है। जबान तो है मेरे मुंह में, बोलना हो तो सब तीन जन्म की बात बता दूंगा, पर पूछो तो बताऊं कैसे ही बता दो। वो भगवान कह रहे हैं कि भगवान पित्रो इत्युक्त्वासीद् हरिस्तूष्णिम् भगवान आत्ममायया पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। अब कृष्ण लीला वाने शुरू करी, अभी तक वो भगवान के तरह बरत रहे हो तो अब वाने कृष्ण लीला की शुरू कर दी। ततश्च शौरीर भगवत प्रचोदितः सुतम समादाय ससूतिकाग्रहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजा सा योगमाया जनिनन्द जायया। तया हृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ द्वारस्तु सर्वापि हिता दुरत्यया बृहत् कपाटाय स कील शृङ्खलै कृष्णवाहे वसुदेवागते स्वयं व्यवर्तन्त यथा तमोरवे ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगाच्वारि निवारयन् फणैः मघोनि वर्षत्यसकृद्यमानुजा
गंभीर तो योग जवोर मिफे नीला भयानकावर्त शताकुला नदी मार्गन्ददौ सिंधुरिव श्रियपते नंदव्रजं शौरिरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतं यशोदा शयने निधाय सुतं यशोदा शयने निधाय तत् सुतामुपादाय पुनर्ग्रहानगात् देवक्या शयने न्यस्य वासुदेवोथ दारिकाम् प्रतिमुच्य पदोर्लोहम् आस्ते पूर्ववदावृत यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुद्ध्यत नतल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगत स्मृति इति श्री भागवत भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंधे पूर्वार्धे कृष्ण जन्मनि तृतीयोऽध्याय वंदे श्री कृष्ण देवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्ति प्रसिद्ध्यै यदुकुल जलधौ प्रादुरासीदपार यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रम् शास्त्रम् रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्सनो भूतिहेतु नमः श्रीकृष्णपादाब्ज कलकुङ्कुमपङ्कजे रुचये दरुणं शश्वन् मामकं हृदयाम्बुजम्